हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला भुजंगासी। आज मार्गशीर्ष का आखिरी गुरुवार है और आप सभी को कहूँगी कि माँ से जो चाहे मांग लो। देखिए, मैं तो अभी काली माँ के मंदिर जा रही हूँ कमल गट्टे की माला को टच कराने, क्योंकि आज अमावस्या का दिन है। अमावस्या का सारा जाप मैं रात को कर चुकी हूँ। माँ लक्ष्मी का जाप करने वाली हूँ। माँ लक्ष्मी का जाप होने के बाद आज अभी मैं माँ को जाके सुहाग चढ़ाऊँगी, श्रृंगार चढ़ाऊँगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी को पूरी तरह से तैयार करना है। और हमेशा के लिए यही मांगू कि मुझे इतना धनवान बना दो, चाहे किसी ने कितना भी तंत्र मंत्र विद्या करके धन बांधने की कोशिश की हो मेरी, मेरे ग्रुप वालों की, तो उनकी आप उनको देखो। आज सबको एक काम जरूर करना है, आप सभी को, आज जितने लोग मुझे मानते हैं, जितने लोग ग्रुप में हैं, आज अमावस्या भी है और साथ में आज गुरुवार भी है, बहुत बड़ी अमावस्या है। बृहस्पति अमावस्या बहुत कम आती है और साल की पहली अमावस्या है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज के दिन आप कुछ करें ना करें, घर में घी का दीपक, तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक जलाइए, जिसमें शहद शक्कर और केसर थोड़ी सी जरूर डालिए। भले छोटा सा दीपक जलाइए, अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं तो आटे का दीपक लीजिए। ओम एम ह्रीम नमः ये जाप जितना हो सके रात को कमल गट्टे की माला से 9 बजे से लेके अंदर कीजिए, जिससे आपके घर में राजपद का योग आएगा और बहुत सारे धन आएंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए धन की पूजा तो करने ही वाली हूँ। जितने मेरे ग्रुप वाले मानते हैं, ये काम आज जरूर कीजिए, ये आज के दिन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और आज के दिन घर में मिष्ठान भोजन बनाइए, घर में सबके साथ अच्छे से रहिए। जो भी कोई गरीब घर के बाहर आता है उसे बेघर दान दिए मत जाने दीजिए। पैसों का दान मत कीजिएगा, खाने का दान कीजिएगा, अन्न दान कीजिएगा। पैसों का दान करने से साल भर के लिए आपके घर से लक्ष्मी चली जाएगी। आज के दिन चाहे कोई कितना भी कहे, आज के दिन कोई लेन देन मत कीजिएगा, क्योंकि लेन देन करने से एक तो अमावस्या भी, अगर आप किसी को पैसा किसी का देते हो तो सामने वाले को भी नुकसान है, आपको भी नुकसान है। आप कोई नया काम कर सकते हो, नया काम करिए, नई पूजा करवाइए। और रात को 11 बजे अमावस्या का हवन होगा, जो मारण क्रिया का है, तो जिसे भी चाहिए आज मारण क्रिया की पूजा करा सकता है। अभी मैं भले पीले वस्त्र में हूँ, लेकिन जब मेरी पूजा हो जाएगी पीले वस्त्र में, जब माँ लक्ष्मी का हवन हो जाएगा, क्योंकि आज लूना चमारी के वशीकरण का भी जाप होगा, तो ये सारा जाप होने के बाद उसके बाद काले वस्त्र में हम रात को माँ कहते हैं मारण क्रिया का हवन करेंगे। तो आज के दिन ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और भूलिए मत, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा और बहुत मेन है। अच्छा खाना बनाइए, पीला भोजन बनाइए, हो सके तो बाहर कुछ दान कीजिए, अनाज दान कीजिए, पैसों का दान मत कीजिए, ठीक है। बाकी आप सब खुश रहिए, भगवान करे आप सदा सुहागन रहे, कभी आप पे कोई मुसीबत ना आए, आपके बच्चे निरोगी रहे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, जहाँ भी जाओ आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े, दुनी रात चौगनी तरक्की करे और दुश्मनों का मुंह इसी तरह से काला होते रहे, ठीक है। जय माता दी।